हे गाइस नमस्कार, वेलकम टू राणा एजुकेशन। दिस इज मनोज राणा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल नेट सेट एंड पीएचडी इन टूरिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू कुड गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ माय ऑल अपकमिंग वीडियोस। Guys, this video is regarding the timetable of online crash course of NSTAT 2020 batch 4. जी हाँ guys, batch 4 हमारे तीन batch इस crash course के खत्म हो चुके हैं और हमारा last batch जो है वो 5th of June को guys खत्म हुआ था। Guys, जैसे आपको मालूम ही होगा इस exam की date जो है वो 4 times, 4 बार change हो चुकी है, आप सबको पता है। पहले ये exam 11th of April को होने वाला था, देन इसकी डेट चेंज होके 9th ऑफ मई कर दी गई, देन इसकी डेट चेंज करके 6th ऑफ जून कर दी गई, देन इसकी डेट चेंज करके 27th ऑफ जून कर दी गई। एंड गाइस, अब अभी अगर आज की डेट में आप NCHM की वेबसाइट पे जाओगे या थीम्स चेक करोगे या NTA की साइट पे जाओगे तो आपको वहां पे गाइस ये वाला मैसेज मिलेगा, ठीक है, जो कि इसकी लास्ट जो टेंटेटिव डेट थी वो 27th ऑफ जून थी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ये डेट फिर से एक्सटेंड कर दी गई है और इसमें अभी कोई फ्रेश डेट इसमें अनाउंस नहीं की गई है। तो हमारे पास फिर से टाइम मिल जाता है हमें फोर्थ बैच करने के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों की जब थर्ड बैच खत्म होता है 5th of June को, तो बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर फोर्थ बैच शुरू करो, पर मैंने मना किया था क्योंकि 27th को एग्जाम होने वाला था, तो 20 दिन में क्रैश कोर्स खत्म नहीं हो सकता था। बट अब क्योंकि इसकी डेट पोस्टपोन हो चुकी है तो अब हमारे पास टाइम है, तो हम फोर्थ बैच शुरू करने वाले हैं गाइस। एंड अब इसमें हम डिस्कस करेंगे द टाइम टेबल ऑफ फोर्थ बैच, कि आपका फोर्थ बैच गाइस कैसे चलने वाला है। 25th ऑफ जून को ये शुरू होगा गाइस एंड 29th ऑफ जुलाई तक ये चलेगा। 35 डेज का एक क्रैश कोर्स आप इसमें काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ डेज 35 डेज का ये क्रैश कोर्स गाइस चलेगा। We will cover the entire syllabus in 35 days. How we will cover that? Let us discuss the timetable and discuss how it will go like. 25th को हम शुरू करेंगे, इसका first lecture आपको मिलेगा 25th June से लेके 4th of July तक। 10 days में हम पढ़ेंगे paper 1. तो paper 1 में जो major आपके portions हैं वो हैं teaching aptitude, then research aptitude, then reading comprehension, then reasoning and GK lectures guys, okay? तो इन चारों sections के जो आपके paper 1 का syllabus है, जिसमें ये चार sections हैं, इनके आपको videos मिलेंगे guys, plus इनके आपको PDF file मिलेंगे। तो paper 1 का complete solution है, okay? यहाँ पे आपको guys videos भी मिलेंगे, उसमें आपको हर एक topic बहुत ही detail में समझाया जाएगा, and उसके बाद उसकी PDF आपको मिलेगी, प्लस उसमें आपको MCQs भी गाइस दिए जाएंगे आफ्टर एवरी चैप्टर, ठीक है, ताकि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने सीखा है, उसको आप MCQ में लगा के अपने नॉलेज को चेक कर सकें। और जैसे हमारा पेपर 1 खत्म हो जाएगा 4th ऑफ जुलाई को, तब मैं आपको दूंगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर कीज, और ये 2017 से लेके अब तक 19 जुलाई में लास्ट पेपर हुआ था NSTAT का, तब तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब के क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विद देयर आंसर कीज आपको मिलेंगे, आपको ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपने क्या पढ़ा है और आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। ओके गाइस, मूविंग नेक्स्ट, 4th ऑफ जुलाई तक हम पेपर 1 खत्म कर लेंगे। देन 5th को संडे है, संडे को हमारी रेस्ट हुआ करेगी। 6th ऑफ जुलाई से लेके 16th ऑफ जुलाई, अगेन 10 डेज में हम करने वाले हैं पेपर 2। सो गाइस, पेपर 2 में मेरे पास दो क्रैश कोर्सेज हैं, एक है 3000 का और एक है 4500 का, ओके? यहां पे अगर आप 3000 वाला कोर्स लेते हैं तो वहां पे आपको पेपर 2 के PDF नोट्स ही मिलेंगे ओनली, ओके? PDF नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे पेपर 2 के, अगर आप बेसिक वाला NSTAT क्रैश कोर्स ऑप्ट करते हो जिसका प्राइस है 3000। बट अगर आप 4500 वाला क्रैश कोर्स ऑप्ट करते हो NSTAT का, जो कि इसका प्लस है NSTAT प्लस, तो वहां पे आपको पेपर 2 के भी वीडियोस मिलेंगे जैसे कि पेपर 1 के मिल रहे हैं, और उसमें आपको हर एक टॉपिक बहुत ही डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स होंगे, प्लस PDF नोट्स मिलेंगे, प्लस MCQs मिलेंगे एंड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर गाइस आपको इसमें मिलेंगे। सो चॉइस आपकी है कि आपको ओनली पेपर 1 के वीडियोस चाहिए, पेपर 2 के ओनली PDF चाहिए, तो आप 3000 वाला कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं,
और अगर आपको पेपर वन पेपर टू दोनों के वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए तो आप 4500 वाला जो एनएसटेट प्लस वाला क्रैश कोर्स है गाइस उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। 16th ऑफ जुलाई को हम पेपर टू खत्म कर चुके होंगे, उसके बाद 17th जुलाई से लेके 28th ऑफ जुलाई, क्योंकि 29th ऑफ जुलाई को हमारा लास्ट डे है, तो 17th ऑफ जुलाई से लेके 28th ऑफ जुलाई तक आपको गाइस पेपर थ्री के सभी सेक्शंस के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अब आपको पता है जो पेपर थ्री होता है हमारा, उसमें गाइस आपके चार मेन सेक्शंस हैं, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज एंड फूड प्रोडक्शन, और यहाँ इन चारों से 25 क्वेश्चंस आते हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस पेपर थ्री में गाइस आते हैं। तो इन सभी के पीडीएफ नोट्स आपको गाइस इसमें मिलेंगे, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर कीज, ओके। एंड 29th को हमारा लास्ट डे होगा और यहाँ पे हम इसकी एंडिंग करेंगे क्रैश कोर्स की। इसमें आपको मैं एक लेक्चर दूंगा, हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू हैंडल द प्रेशर, हाउ टू डू द स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। एंड क्योंकि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू शुड अटेम्प्ट द पेपर एज यू हैव द नेगेटिव मार्किंग, ओके। और बहुत सारे बातें इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो 29th को आपका ये क्रैश कोर्स गाइज खत्म हो जाएगा। अब इसमें बात यह आती है कि अगर 29th से पहले, हो सकता है कि जुलाई के 15-20 तक आपके एग्जाम की डेट आ जाए, तो उसमें क्या होता है कि हमारा क्रैश कोर्स चलता कैसे है, हम इसमें आपको डेली का एक एक लेक्चर देते हैं ताकि आप उसको, आपको पढ़ने के लिए 24 आवर्स का टाइम मिल जाए, है ना। तो हम डेली, मैं आपको डेली का एक लेक्चर दूंगा, बट अगर ऐसा होता है कि हमारे पास डेट आ जाती है एग्जाम की, एग्जाम जो है वो 15 जुलाई को होने वाला है या 20 जुलाई को होने वाला है, इन दैट केस मैं आपको सभी लेक्चर्स एक ही टाइम पे दे दूंगा, बल्क में आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड देन आई विल टेल यू द टाइम टेबल कि अब आप उसको कैसे हैंडल, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा क्रैश कोर्स है जो मैंने आपको इसका कैसे ये चलेगा, कभी शुरू होगा, हमारा बैच 4 है, कभी शुरू होगा, ओके, ये आपको बता चुका हूँ, 25 से 29 जुलाई तक चलेगा, ओके। पेपर 2 का गाइस, क्योंकि न्यूट्रिशन है, फूड साइंस है, होटल अकाउंट्स है और मैनेजमेंट है, बस ये चार ही टॉपिक दिए हैं आपके पेपर 2 के इसमें, और ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं गाइस, क्योंकि फूड साइंस एक ओशन है, मैनेजमेंट एक ओशन है, यू नो, फूड साइंस और न्यूट्रिशन में मास्टर्स अलग से होती है, मैनेजमेंट एमबीए अलग से होती है, तो ये प्रॉपर एक मास्टर्स के सब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे इन्होंने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है कि मैनेजमेंट से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को असेस करके मैंने जो लेक्चर्स बनाए हैं उसमें आपका 80-90% डॉट्स गाइज कवर अप हो जाएंगे, ओके। तो अब आइए बात कर लेते हैं कि आप इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ओके, और क्या क्या आप इसको फॉर्मेलिटी आपको इसमें गाइस करनी पड़ेगी, ओके गाइस। नेक्स्ट आता है कि इस कोर्स को ज्वाइन कैसे करें। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप गूगल पे जाके गाइस टाइप करेंगे ranajkgnet.com, ओके। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करेंगे तो आपके सामने मेरी वेबसाइट ओपन होगी, ओके गाइस। तो ये मेरी वेबसाइट का फ्रंट पेज है, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कोर्सेज स्टार्टिंग सून, ओके। तो यहाँ पे आपको तीन कोर्सेज गाइस दिखेंगे, एक एनएसटेट है, इसमें है क्रैश कोर्स फॉर एनसीएचएमसीटी एनएसटेट प्लस, ओके, ये है एनएसटेट बेसिक वाला है, ओके। और ये गाइस एक टूरिज्म का क्रैश कोर्स भी है, आई थिंक आप सबको मालूम होगा यूजीसी नेट टूरिज्म का एग्जाम भी होता है, तो जो टूरिज्म का पेपर है उसका भी क्रैश कोर्स मैं रन करता हूं। तो अगर कोई आपका जानने वाला है जो टूरिज्म की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इस क्रैश कोर्स को यहां पे आके ज्वाइन कर सकता है। इसको ज्वाइन करने का भी सेम प्रोसीजर है जो मैं अभी आपको गाइस बताने वाला हूं। तो बात कर लेते हैं एनएसटेट की। तो मैंने आपसे कहा था कि वहां पे इस बार बैच 4 में थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं। अब यहाँ पे आपको दो कोर्सेज देखेंगे एनएसटेट के, एक प्लस वाला है और एक आपका बेसिक वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया जो प्लस वाला है उसका प्राइस है 4500 और जो बेसिक वाला है उसका प्राइस है 3000, ओके गाइस। तो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि जो बेसिक वाला है इसमें आपको पेपर 1 के वीडियोज मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, ओके, एंड उन पीडीएफ को आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं।
पेपर टू के ओनली पीडीएफ मिलेंगे, पेपर थ्री की ओनली पीडीएफ मिलेंगी, और उसमें आप कुछ भी डाउनलोड गाइस नहीं कर सकते हैं। जबकि जो प्लस वाला है इसमें आपको पेपर वन के वीडियोस मिलेंगे, प्लस पेपर वन की पीडीएफ मिलेंगी, प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, प्लस आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, प्लस इसमें पेपर टू के भी वीडियोस मिलेंगे, उनकी पीडीएफ फाइल मिलेंगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड पेपर थ्री का जो है गाइस वहां पे आपको इसके पीडीएफ मिलेंगे। आइए देख लेते हैं कि इसमें आपको इसको ज्वाइन कैसे करना है और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसे आप 4500 वाले पे कर्सर लेके जाओगे, यहाँ पे लर्न मोर आता है, ओके, आप गाइज लर्न मोर पे क्लिक कर दोगे। जैसे आप लर्न मोर पे क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस आपके सामने गाइज खुलेगा। यहाँ पे पूरी डिटेल आएगी, कब ये शुरू होने वाला है, इसका नाम लिख के आएगा प्लस, ओके, और क्या क्या आपको इसमें गाइज मिलने वाला है, वो आपको सब कुछ यहाँ पे गाइज लिखा है। तो इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स विद ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन फॉर पेपर वन, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स विद ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन फॉर पेपर टू, complete PDF notes for paper 3, previous year question papers of NSTAT with answer keys from 2017 onwards. तो 17 से लेके अब तक जितने भी NSTAT के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर प्लस उनकी आंसर कीज आपको साथ में मिलेंगी। प्लस इसमें आपको एडिशनल और जो जो आपको सिंपल वाले क्रैश कोर्स में नहीं मिलेगा वो इसमें क्या मिलने वाला है, क्वेश्चन पेपर विद आंसर कीज ऑफ एग्जाम्स हेल्ड फॉर असिस्टेंट लेक्चरर्स एंड लेक्चरर्स एट वेरियस IHM। जैसे आपको पता है NSTAT होने से पहले, ओके, NSTAT के आने से पहले एग्जाम होता था असिस्टेंट लेक्चरर के लिए, ओके, और उस एग्जाम के बेस पे ही उनकी सिलेक्शन होती थी किसी भी IHM में। अभी भी एग्जाम होता है लेकिन एग्जाम होता है लेक्चरर के एग्जाम के लिए, तो जो एग्जाम होता है वो भी NCHM ही सेट करता है और इसमें काफी काफी हद तक जो है वो NSTAT से मिला जुला रहता है, ठीक है, बट NSTAT से टफ एग्जाम होता है असिस्टेंट लेक्चरर्स का और लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है। तो वो सारे पेपर्स जो अब आज तक अभी तक हुए हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं प्लस उनकी आंसर कीज। तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट है अगर आप इस वाले क्रैश कोर्स को ज्वाइन करते हैं, प्लस आपको MCQs फॉर ऑल पेपर्स मिलेंगे, प्लस जो वैलिडिटी है वो गाइज 35 डेज। आप जब कोर्स ज्वाइन करते हैं तब से लेके 35 डेज तक आप सभी सभी कुछ जो भी आपको मिलेगा उसको आप एक्सेस कर सकते हो। हाउएवर आप जो पेपर वन के पीडीएफ है उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके, ओनली पीडीएफ। बट पीडीएफ के अलावा कुछ भी चीज, ना वीडियोस, ना एमसीक्यूज, ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं टिल योर वैलिडिटी मींस 35 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल 35 डेज आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कॉपी प्रिंट फॉरवर्ड उसको आप नहीं कर सकते हैं और करने की कोशिश भी मत करना क्योंकि वो अनडाउनलोडेबल है प्लस वो इनक्रिप्टेड है, कॉपीराइट हो जाएगा, आप इसमें फंस सकते हैं। तो आपकी वैलिडिटी के हिसाब से आप उसको एक्सेस करिए, पेपर वन के पीडीएफ को आप डाउनलोड करके अपने पास गाइस रख सकते हैं। ये था हमारा कि जो हमारा 4500 वाला क्रैश कोर्स है गाइस, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा और उसको आप कब तक एक्सेस कर सकते हो और उसकी वैलिडिटी क्या रहने वाली है। सेम जैसे आपका ये 4500 वाला था, ये आपका है बेसिक NSTAT 3000, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। इसमें आप जैसे जाएंगे लर्न मोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी एक इंटरफेस खुलेगा, आपको बताया जाएगा कि गाइज इसमें आपको क्या मिलने वाला है। इसमें आपको मिलेगा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स विद ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन फॉर पेपर वन, वीडियोज आपको इसमें पेपर वन के मिलेंगे, ओके, पेपर टू पेपर थ्री की ओनली आपको पीडीएफ मिलेंगे, ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको NSTAT के 17 के बाद मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, बट इसमें आप गाइस कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसमें जो कुछ आपको मिलेगा उसको आप सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं टिल योर कोर्स वैलिडिटी, ओके गाइस। तो इसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको ज्वाइन कैसे करना है, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको अच्छे से एक्सेस कर लिया है, दोनों को कंपेयर कर लिया है और अब आपको इसको ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप 4500 वाला ज्वाइन करने वाले हैं तो यहाँ पे आप लर्न मोर पे क्लिक करेंगे, ओके, लर्न मोर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ लेंगे क्या क्या मिलेगा, क्या क्या इसकी वैलिडिटी है।
देन अगेन आपके पास एक ऑप्शन और है कि अगर आपको डेमो देखना है देन यू कैन गो टू व्यू डेमो। ओके, व्यू डेमो पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो अगेन एक नया इंटरफेस खुलेगा जहां पे आपको पेपर वन के कुछ डेमो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं। ओके, इनको आप देख सकते हैं, पेपर टू थ्री के पीडीएफ जो डेमो है वो आपको यहां से इस पे क्लिक करके दिख जाएगा। ओके, और ये लेक्चर्स हैं, इनको आप प्ले करके गाइस देख सकते हैं। इन डेमो को देखने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं कि हाँ मैं इस कंटेंट से, इस क्वालिटी से सेटिस्फाई हूं, तब इसको ज्वाइन करने के लिए आप वापस एक स्टेप बैक जाएंगे गाइस। ओके, और नाउ अब आप डेमो देखने के बाद, अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद आप इस कोर्स को गाइस ज्वाइन करिएगा, क्योंकि एक बार कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपका अमाउंट रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पहले आप इस पूरा पढ़ लें कि आपको कोर्स में क्या मिलने वाला है, प्लस उसकी वैलिडिटी क्या रहने वाली है, डेमो देख लें, सेटिस्फाई हैं, देन यू विल प्रेस द ज्वाइन द कोर्स। ओके, जैसे आप ज्वाइन द कोर्स पे गाइस क्लिक करेंगे तो अगेन एक नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट का नाम आ चुका है एनएसटेट प्लस, इसका प्राइस आ चुका है, इसकी वैलिडिटी शो कर रही है, क्वांटिटी एक है, इसको कर देंगे ऐड टू कार्ट। इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स लाइक अमेज़न शॉपिंग। ओके, तो आप इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे। जैसे आप इसको ऐड टू कार्ट कर देंगे, नाउ यू विल प्रेस व्यू योर कार्ट। जैसे आप व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, तो आपकी कार्ट आपको दिखाएगा, यहाँ पे ये क्वांटिटी दो दिखा रहा है, इसको आपने एक कर लेना है। मेक श्योर कि आपके यहाँ क्वांटिटी एक हो। ओके, तो यहाँ पे आप इसको अपडेट कार्ट कर लेंगे। आप जब अपनी कार्ट को देखेंगे गाइस, तो हो सकता है कि ये बाय डिफॉल्ट दो कर दे क्वांटिटी या तीन कर दे, आपको यहाँ पे क्वांटिटी एक कर लेनी है। फिर आपका कार्ड दिखाएगा, इसमें प्रोडक्ट का नाम आएगा, प्राइस आएगा। ओके, यहाँ पे आपका टोटल अमाउंट आएगा, देन प्रोसीड टू चेकआउट। ओके गाइस, यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करने के बाद अगेन एक नया इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, और यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, यहाँ पे आपका गाइस बिलिंग डिटेल आने वाली है। तो जहां जहां पे रेड स्टार लगा है ये गाइस आपको भरना है। तो आपका नाम आ गया, यहाँ पे मैंने अपनी ही डिटेल भर रखी है ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी कंट्री इंडिया या जो भी आपकी कंट्री है, देन ये आपका एड्रेस यहाँ पे पूरा आना चाहिए, आपकी स्टेट, आपका पिन, और आपका ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। ये एक तो आपका फोन नंबर, ओके, जो रनिंग है अभी, जो अभी काम कर रहा है, प्लस आपकी ईमेल आईडी मेरे को चाहिए जो सिर्फ जीमेल की होनी चाहिए। ये मेरी कंडीशन है, याहू की, रेडिफ की, और कोई ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को आपकी जीमेल की ही आईडी यहाँ पे चाहिए। तो आप जीमेल की आईडी, जिसको आप डेली एक्सेस करते हो या एक्सेस करें, बना लें अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि उसी पे आपको क्लासरूम के लिंक्स आए करेंगे। ओके, अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये चलेगा। तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो जीमेल की ही होनी चाहिए, यहाँ पे कंडीशन है। इसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर लेंगे आपका प्रोडक्ट का नाम है, इसकी क्वांटिटी एक है, प्राइस 4500 है। ओके, और उसके बाद इसको एक बार डबल चेक कर लेंगे कि आपने सब कुछ ढंग से भर लिया है। ओके, उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पे कर देंगे, आई हैव रेड एंड अग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, टर्म्स कंडीशंस हैं, जैसे आपका अमाउंट वापस नहीं होगा, 2-3 बातें और हैं, आप इसको यहाँ पे क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। ओके, तो आप इस गाइस पूरे इस पेज को भरने के बाद, डबल चेक करने के बाद, ईमेल, जीमेल की आईडी डालने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे प्लेस ऑर्डर। जैसे ही आप प्लेस ऑर्डर पे गाइस क्लिक करेंगे तो पेमेंट गेटवे से क्या पेमेंट करेंगे वो पेज यहाँ पे आपके सामने खुलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला पेज, यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया। अब आपने किस चीज से पे करना है, आपका क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी डिटेल यहाँ भर सकते हैं, बैंक्स हैं, नेट बैंकिंग से करना है तो कौन सा बैंक यहाँ चूज कर सकते हैं, यूपीआई है तो यहाँ से कर सकते हैं, वॉलेट्स हैं आपके तो वो वॉलेट आप यहां से चूज कर, जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है उसकी डिटेल आप यहां पे भरेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही गाइस आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप इस अमाउंट को पे कर देंगे। ओके, और उसके बाद एक ईमेल आपको आएगी, जो आपने यहां पे अभी ईमेल आईडी डाली थी वो रिसीट होगी कि आपने कौन सा कोर्स ज्वाइन करा है, ठीक है। और एक ईमेल मुझे आएगी, ठीक है, जहां पे मुझे आपका नाम आएगा, आपका एड्रेस आएगा, आपका फोन नंबर आएगा, और आपका ईमेल आईडी आएगी, और आपका
गाइस कि आपने कौन सा कोर्स ऑप्ट करा है, पूरी डिटेल मेरे पास आएगी, वहां से मैं आपकी ईमेल आईडी कॉपी करके उस क्लासरूम में ऐड कर दूंगा जहां पे हमारी ये पूरी क्लासेस गाइस चलने वाली हैं। अब मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कि ये हमारी क्लासेस कैसे चलने वाली हैं, क्योंकि डेमो के लिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक क्रैश कोर्स है जो टूरिज्म का, मैंने आपको बताया था टूरिज्म का क्रैश कोर्स चला हुआ है, क्योंकि एनएसटैट का तो 5 जून को हमारा थर्ड बैच खत्म हो गया था तो वो मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो अभी जो क्रैश कोर्स चला है वो टूरिज्म का चला है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम आपका वैसे ही चलेगा, यहाँ पे लिख के आएगा एनएसटैट क्लासेस बाय मनोज राणा। ओके, और यहाँ पे जो आप मुझे पेमेंट करेंगे तो जो ईमेल आईडी है गाइस वो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने बच्चे हैं ये सारे यहाँ पे इसमें एडेड हैं, आपको भी ऐसे ही क्लासरूम में ऐड कर दिया जाएगा। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आपका भी ऐसे होगा, और यहाँ पे फिर डेली का आपको जैसे पेपर वन है तो टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे आ गया, पेपर टू का लेक्चर यहाँ पे आ गया है ना, देन उसके बाद वीडियोस यहाँ पे आ गए। ये बच्चे कमेंट करते हैं इसमें जो उनको समझ नहीं आता है तो उसको सॉल्व किया जाता है। ओके, तो जैसे मैं 25 जून को कोर्स शुरू होगा तो आपको उसके बाद डेली यहाँ पे गाइस लेक्चर्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे, और जो आपको लेक्चर मिलने का जो टाइम होगा गाइज वो होगा 3 to 4 PM डेली। ओके, रोज आपको 3 से 4 बजे के बीच में लेक्चर मिला करेगा। ओके, और उसको आप देख सकते हैं, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप उसी वीडियो के कमेंट में, जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों ने लिख के भेजा है, कमेंट किया है, तो उसको मैं वहीं पे सॉल्व करूंगा। और मेरे को लगा कि हाँ वो बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं तो उस पर एक अलग से वीडियो भी आपको बना के क्लासरूम में गाइस दिया जाएगा। जैसे आपको मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे ये वीडियो लेक्चर है ये मैंने उनको दिया था जो टूरिज्म वाला बैच है, तो आपको जस्ट वीडियो लेक्चर का लिंक ऐसे आया करेगा तो वो क्लासरूम में भी लिंक अपडेट होगा, प्लस आपके मेल आईडी पे भी वो लिंक आया करेगा तो आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो लिंक गाइस यहाँ पे खुल जाएगा, और उसके बाद आप जैसे इसको प्ले करेंगे तो ऐसे गाइस वो लिंक आपके सामने गाइज टूडे विल डू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 9 ऑफ योर सिलेबस एंड दैट टॉपिक्स। ऐसे गाइज यहाँ पे आपको भी वीडियोज मिलेंगे जहाँ पे आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में समझाई जाएगी। ओके, तो ऐसे करके गाइज आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। Okay, so that was all about the courses and all about the timetable, how it will go like, and how you can join the course, how you will get all the notes, how you will access all the material like PDF, videos, PPTs, etc. So, aap price pe na jaye, ye jo money hai, this is your investment. Okay guys, main is field mein pichle 10 saal se hoon. I am the part of this industry since 10 years. I have 7 years of teaching experience. I have 3 years of hotel experience. You can check out my profile at the end of this video. So you can trust me. I am assistant lecturer at IHM Shimla. To main is system ka 10 saal se part hoon. So you can trust me. Jis industry ka part banne ja rahe ho, us industry ka main पार्ट हूँ, उसी सिस्टम का मैं पार्ट हूँ, तो आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट व्हाई ऑनलाइन कोर्स, देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज गाइस। ऑनलाइन और ऑफलाइन को अगर हम कंपेयर करें तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप उसको किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं। जो मटेरियल है वो आपके ईमेल आईडी में आएगा, आपका जब तक एग्ज़ाम है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप उसको एक ही वीडियो को बार बार देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है आपके पास। ठीक है, आप अपने हिसाब से जब भी आपका पढ़ने का स्केड्यूल है आप उस टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या रहता है कि आपको एक फिक्स टाइम फॉलो करना रहता है जो कि कई बार आपके हिसाब से कन्वीनियंट नहीं होता है, तो इसलिए मैंने ऑनलाइन का शुरू किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, चाहे सुबह चाहे शाम जब भी उनको टाइम लगेगा वो उसको पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं गाइज, एंड यही ऑनलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके गाइज, देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद द नीडी स्टूडेंट्स एंड एट योर सोशल मीडिया लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके गाइज,
Okay then, bye bye, take care, and I hope that you all will join this course. And till then, bye bye, take care.